हेलो गाइस, अगर आप रेलवे कर्मचारी हैं तो आप ऑनलाइन पास पीटू भी ज़रूर लेते होंगे, और जब आप ऑनलाइन पास पीटू इशू करवाते हो तो आपके फ़ोन पर एक टेस्ट मैसेज आता होगा जिसमें एक 7 डिजिट का एक यूपीएन नंबर होता है। हम उस यूपीएन नंबर को रिजर्वेशन फॉर्म में भरकर हम रिजर्वेशन काउंटर पर जाते हैं रिजर्वेशन करवाने के लिए। लेकिन जो रिजर्वेशन क्लर्क होता है वो हमसे रिजर्वेशन करते समय एक ओटीपी मांगता है। हम क्या करते हैं, एचआरएमएस आईडी में लॉगिन करते समय जो हमारे पास 5 डिजिट का ओटीपी होता है हम वो ओटीपी उसको बता देते हैं, लेकिन उससे बात बनने वाली नहीं है, उससे हमारी रिजर्वेशन होने वाली नहीं है। वो हमसे 4 डिजिट का ओटीपी मांगता साथियों। वो 4 डिजिट का ओटीपी हमें जनरेट करना बिल्कुल नहीं आता, इसके लिए हमारे घंटों ख़राब हो जाते हैं, हमारी रिजर्वेशन नहीं होती, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं इसी समस्या का समाधान बिल्कुल चुटकियों में करने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जितनी भी एचआरएमएस संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं आपकी सोल्व हो सके। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा मोबाइल स्क्रीन पर। सबसे पहले साथियों हम गूगल ऐप पर जाएंगे, गूगल ऐप को हम खोलेंगे। गूगल ऐप को खोलते ही हमने सर्चिंग में डालना है hrms.indianrailway। जो सबसे ऊपर टॉप पर जो दिखा रहा है hrms.indianrailway.government.in hrms, इसी साइट पर जाकर हमने अपनी एचआरएमएस को खोलना है। बाकी साइटों पर काफ़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए सबसे बेस्ट है आपने ये पूरा अगर आप डालोगे तो उसमें कोई दिक्कत होने वाली बनी है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, और ये जो सबसे टॉप पर जो पेज है वेबसाइट का जो पेज है लॉगिन इंडियन रेलवे एचआरएमएस, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही हमें एक लॉगिन का ऐसे ऑप्शन मिलेगा एचआरएमएस का, जिसमें हम अपने एक एचआरएमएस जो 6 अक्षरों वाली जो आईडी है उसको हम डालेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 6 अक्षरों वाली जो हमारी एचआरएमएस आईडी डालेंगे तो हम इस एरो के निशान को लॉन्ग प्रेस करके इसको कैप्स लॉक कर लेंगे ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैं अपने डालने वाला हूँ KMDQOC, ये मेरी 6 अक्षरों वाली एचआरएमएस आईडी है, और इसमें मैं अपना पासवर्ड डाल लूँगा। जैसे कि मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूँ, पासवर्ड डालकर उसके बाद मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसको मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करते ही इसमें एक ओटीपी का ऑप्शन इसमें मांग रहा है कि हमने इसमें वेरीफाई ओटीपी, हमारे फ़ोन पर जो ओटीपी आया हो हम डालेंगे। वो ओटीपी हमारा 5 अक्षरों का होता है। जैसे मैं अपना ओटीपी इसमें डाल रहा हूँ, ओटीपी डालकर मैं वेरीफाई ओटीपी करूँगा। वेरीफाई ओटीपी करते ही हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, हमारी एचआरएमएस आईडी ओपन हो चुकी है, और जो एरो का निशान है हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमने अपना जो पास का इशूड पास का जो हमें ओटीपी जनरेट करना है उसके लिए हम क्या करेंगे साथियों, हम पास के ऑप्शन में जाएंगे। पास के ऑप्शन में जाते हैं, हमें इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा, एक है अप्लाई फॉर ई पास, एक है माई इशूड पास। हमने माई इशूड पास पर जाना है। माई इशूड पास पर जाते ही हमें इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा, हमारा जितने भी ओटीपी हैं जो भी हमारे पीटीओ हैं पास है हमें इस प्रकार दिखेंगे। हमने अगर पास का ओटीपी, अगर हमें पास का ओटीपी जनरेट करना है तो हम यहाँ पर डालेंगे जो आल वाले ऑप्शन है, प्रिविलेज पास पे हम टिक करेंगे, और यहाँ पे गो पे जाएंगे। गो पर जाते ही हमें इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। ये मैंने अपना ऑनलाइन पास लिया था उसका ये यूपीएन नंबर है, और ये सारी चीज़ें इसमें शो करेंगी, और हम इसको देखकर हमने अब क्या करना है कि हमें ओटीपी जनरेट कैसे करना है। इस पे आप देखोगे सेंड ओटीपी एसएमएस, इस पे हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको दिखाएगा आर यू श्योर, आप श्योर हो आप अपने पास ओटीपी जनरेट करना चाहते हो। तो जैसे ही आप इस पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे आपके फ़ोन पर सक्सेस यानी एसएमएस विद ओटीपी विद टिकट बुकिंग अगेंस्ट यूपीएन नंबर, ये जो 7 अक्षर का जो यूपीएन नंबर हमारा आएगा, और जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे ओके,
तो हमारा ये देखो आपके स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाने वाला हूँ, ये मेरा स्क्रीन पर 6 डिजिट का ओटीपी हमारा ना 4 डिजिट का ओटीपी सॉरी आ चुका है, जिसमें आप देख सकते हो 6CRR यानी 4 डिजिट का इज ओटीपी फॉर टिकट बुकिंग अगेंस्ट। इसी ओटीपी को लेकर साथियों हमने पास बुकिंग क्लर्क के पास हमें जाना है और जाते ही हमारी रिजर्वेशन हो जाएगी। तो साथियों बिल्कुल आसान था ये, इसी से हमारी रिजर्वेशन होने वाली है, बाकी और किसी चीज़ से हमारी रिजर्वेशन होने वाली नहीं है। और आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो ये 7 डिजिट का यूपीएन नंबर हमारे पास जब जनरेट हो जाता है, हमारे पास ओटीपी भी 4 डिजिट का आ जाता है, उसके बाद हम अपने ही मोबाइल से बिना रिजर्वेशन काउंटर पर जाए रिजर्वेशन कर सकते हैं। मैं वो वीडियो बनाने वाला हूँ, आपको रिजर्वेशन काउंटर पर जाने का बिल्कुल भी जो ये समस्याएं होती हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप सिर्फ 5 मिनट में अपनी रिजर्वेशन घर पे ही कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आपको ये सभी समस्याओं का समाधान मिल सके। तो साथियों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।